हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है एक एक्सपेरिमेंट वीडियो। हम देखते हैं कि एक टेबल फैन के पीछे नारियल के जो छिलके हैं इसको लगाने से क्या इसमें ठंडी हवा आ सकती है या पहले जैसे गर्मी हवा हमें मिलेगा। तो इसलिए हमने ये नारियल की छिलके को इस तरह पहले दोनों साइड से कुल्हाड़ी छोटी कुल्हाड़ी से काट कर इसे इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे पीट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे इसको। ठीक इसी तरह देखिए, ठीक इसी तरह हमें इस नारियल के छिलके को इस तरह देखिए ऐसे छोटे छोटे हिस्सा इसका बना लेना है। हमारे घर में कूलर नहीं है, सिर्फ ये एसीसी का एक छोटी सी टेबल फैन है जिसे हमें गर्मी हवा मिलती है। इसको मैं खुद ही समय समय पर मरम्मत करता हूँ। इसका ये वाला वायर मैंने लगाई है, इसका जो पहले वायर था वो जल गया। आज तक इस फैन का कुछ ख़राब नहीं हुआ, सिर्फ ये जो फैन को इधर उधर मूव करता है ये वाला पहले वाला जो है वो ख़राब हो गया। तो ये मैंने राज अगलपुर से 70 रुपये से ख़रीद कर इसके लगाया है। इस फैन से हमें बहुत ही तेज हवा मिलती है। इस फैन को मैंने डोंगरीपाली से कुल 1500 रुपये में ख़रीदा था। और ये है वो नारियल के ऊपरी भाग, इसका छिलके को हमने इस तरह छोटे छोटे करके काट रखे हैं। और हमने ले रहे हैं ये है बाइंडिंग वायर जो छत बनाने में हम रॉड को बाइंडिंग करते हैं। दो लंबे लंबे बाइंडिंग वायर को लेकर उसे हम कुछ इस तरह अपने पैरों में पकड़ेंगे और इसके अंदर डालेंगे वो नारियल के छिलके। देखिए इसी तरह इसको फंसा कर ऐसे बांधते बांधते हमें चलना है। ठीक इसी तरह हमें एक के बाद एक वो नारियल के छिलके जो हमने छोटे छोटे करके काट कर रखे थे उसी को ठीक इसी तरह बांधते बांधते आगे चलना है और इसका एक पट्टी बनाना है। देखिए हमें इसी तरह बनानी है। इसी तरह हमें दो पट्टी बनानी है और इसको हम पंखे के पीछे लटकाएंगे। इससे हमें देखते हैं किस तरह ठंडी हवा मिलती है। देखिए अभी हमारे वो दोनों पट्टियाँ ये बन चुकी है।
और ये दो पट्टियाँ ऐसे सीधे सीधे हमने बनाई है, और इसके पहले और वो इसके दोनों भाग में इस तरह एक एक बाइंडिंग वायर को फंसा देना है, इसे हम फैन से अटैच कर लेंगे। देखिए ये पट्टियाँ को जो हमने बनाई है कुछ इस तरह हम फैन के पीछे से चिपकाएंगे। ये दोनों पट्टियों को हमने इस तरह सीधे सीधे बनाई है, इसलिए फैन के पीछे सही तरह नहीं बैठ पाएगा, इसलिए हमें क्या करना है इस तरह एक एक मोड़ बना लेनी है दोनों पट्टियों में। अभी देखिए ये किस तरह उसका जो शेप है फैन का शेप राउंड शेप है, इसकी ये भी उसी तरह बेंट हो गया है, अब ये सही तरीके से बैठ पाएगा फैन के पीछे से। अब हमें क्या करना है इस जो पट्टियाँ हमने बनाई है नारियल की छिलके से, इसको हमें पानी से अच्छी तरह भिगो लेंगे, नहीं तो हमें ठंडी हवा नहीं मिलेगी, इसको हम अच्छी तरह भिगो लेंगे। ठीक इसी तरह पानी देकर इसे भिगा लेनी है। देखिए अब ये हमारा जो पट्टियाँ बनाई थी वो पूरी तरीके से भीग चुकी है, दोनों साइड से पलट पलट कर इसको हम अच्छी तरह भिगा लिया है, और इससे कुछ लाल लाल इस तरह का पानी निकली है इस नारियल के छिलके से। अब हम इस पट्टियों को इस तरह फैन के दोनों साइड में चिपका देंगे, इसको अच्छी तरह बांध लेंगे, इस तरह दोनों साइड इसको बांध देंगे। फैन के पीछे हमने इस तरह चिपका दिया है और इसको लाइन दे देते हैं, ये हमारा पुरानी बोर्ड है यहीं से इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई कर लेते हैं, और ये फैन अभी सूखी है तो हम इसको इसका स्विच से ऑन कर देंगे। ध्यान देखिए जब भीगा हो जाएगा फैन इसके पानी से तो वहीं से इसका जो स्विच है फैन का वहीं से ऑपरेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें झटकी लग सकती है, हमें शक मिल सकती है, इलेक्ट्रिक शक मिल सकती है, इसलिए हमें वहीं से ऑपरेट नहीं करना चाहिए। हम फैन को चालू रखेंगे और बोर्ड से ही इसको ऑपरेट करेंगे। जब फैन को बंद करनी है तो जो प्लग पिन है उसे खींच देंगे, और जब चालू करेंगे तो प्लग में पिन डाल देंगे। हमने फैन को इस स्विच से नहीं फैन के स्विच से चालू नहीं करनी है, नहीं तो हमें झटके लग सकती है। अभी हमें फैन से बहुत ठंडी हवा मिल चुकी है। अब इसके ऊपर हम बांध लिए हैं दो छोटे छोटे 200 ml के सोडे की बोतल, और इस सोडे की बोतल में हम डालेंगे पानी, ठंडी पानी इसमें डालेंगे, और ये ठंडी पानी इसको इसी तरह देखिए किस तरह हम इसमें पुल कर लेंगे इस दोनों बोतल को, और इसकी ठिप्पी जो है इसे बंद कर लेंगे। इसी तरह हमने दोनों बोतल में सोडे की बोतल में पानी भर के इसको फुल करके इसका ठिप्पी को लगा देंगे, इससे जो होगा इससे वो फैन को पानी सप्लाई होगा। सोडे की बोतल में पानी फुल करके इसके ऊपर ठिप्पी लगा लेनी है। इस दोनों बोतल के नीचे हमने सुई से दो छेद कर रखी है, ज़्यादा छेद नहीं की है, ज़्यादा छेद करेंगे तो सब पानी जल्द ही जल्द निकल जाएगा, इसलिए सिर्फ दो छेद ही किए हैं। देखिए नीचे पानी जा रही है। अब हमें
हमारे टेबल फैन से भी हमें ठंडी हवा मिल रही है। पहले जो हमें गर्मी हवा मिल रही थी, अब वो गर्मी हवा नहीं मिल रही है। इससे हमें कूलर की तरह तो नहीं, पर उससे एक साधारण टेबल फैन से इससे बेहतर ठंडी हवा मिल रही है। देखिए वहाँ पानी जा रही है, इस बोतल से पानी जहाँ सुई से हमने दो छेद कर रखी थी वहाँ से पानी जा रही है। जब फैन को चालू रखेंगे तो वहाँ से पानी सप्लाई होगा, जब फैन को बंद कर लेंगे तो ये पानी सप्लाई भी होना भी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हमें ये फैन से ठंडी हवा मिल रही है, और कभी कभी ये फैन हमें छिटक भी रही है, पानी छिटक भी रही है, थोड़ी थोड़ी स्प्रे भी हो रही है हमारे ऊपर। इसके नीचे हमने एक टॉवल को रख दिया है, जो पानी गिरेगा तो उसमें गिर के सूख जाएगा, नहीं तो हम उसी जगह पर और कुछ बर्तन भी रख सकते हैं। अब हमें इस फैन की स्विच से इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, इससे हमें झटका लग सकती है। दो तीन घंटे फैन चलने के बाद इसका अगर बोतल से पानी सूख जाए, सब गिर जाए, तो ये जो पट्टियां है ये सूख जाती है। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर एक इंजेक्शन यानी कि सिरिंज, इससे हम दो तीन घंटे के बाद जब पट्टियां सूख जाए तो इसमें पानी इस तरह स्प्रे करके इसको फिर से भिगा देंगे, नहीं तो फिर से जैसे पहले हमें गर्मी हवा मिल रही थी उसी तरह ही गर्मी ही हवा मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो तीन घंटे के बाद जब सूख जाए तो इसमें पानी स्प्रे कर देंगे। हमें ध्यान देनी होगी कि जब फैन हमारा पानी से गीला हो जाएगा तो इसे हम जो फैन की जो स्विच है उसे हम ऑपरेट नहीं करेंगे, हम बोर्ड से ही इसको ऑपरेट करेंगे, नहीं तो वहीं से हमें ऑपरेट करेंगे फैन की स्विच से तो हमें झटके लग सकती है। तो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट सही निकला है, तो इससे हमें ठंडी हवा मिल रही है। तो ये प्रोसेस में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पर इसमें हमें ठंडी हवा मिल रही है।